हरिद्वार के जिला सेवायोजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। 50 पदों पर आयोजित किए गए रोजगार मेले में 100 से ज्यादा अभ्यर्थी रोजगार की तलाश में पहुंचे। दो निजी क्षेत्र की कंपनियों ने मार्केटिंग और टेक्निकल पोस्ट के लिए कई अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लिए। रोजगार मेले के बाद कुछ अभ्यर्थी नौकरी मिलने से खुश नजर आए तो कुछ कम सैलरी होने के कारण असंतुष्ट दिखे। अभी स्काई स्पेस सेंटर है जो कंपनी है, जो सर ने बताया अभी था, अभी इसान सर ने, तो उन्होंने अभी बताया हम इंटरव्यू देने जाएंगे। अभी इसको तो रोजगार अब लगा है, हम देखेंगे एक बार इंटरव्यू दिया है देंगे, जब पता चलेगा कि किस हिसाब से जॉब और किस हिसाब से पे हमें वो करेंगे कि हमारे क्या क्वालिफिकेशन है, बाकी तो उसी हिसाब से पता चल पाएगा। जिला सेवा योजन अधिकारी अनुभा जैन ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए समय समय पर रोजगार मेले का आयोजन कराया जाता है। सेंटर ने इस रोजगार मेले का आयोजन किया है, इसमें दो कंपनियों को बुला रखा है जिन्होंने मार्केटिंग और इलेक्ट्रिकल आईटीआई के लिए आज रोजगार मेला किया है। लगभग इसमें 106 अभ्यर्थी जिले भर से आए हैं, तो उन्होंने पहले हमने उनको शॉर्टलिस्टेड किया है और वर्तमान में इसमें इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी है। इस मेले में 12th पास लोग हैं और ग्रेजुएशन भी हैं और कुछ MBA के पद भी हैं, और बेसिकली ये जो पोस्ट है ये मार्केटिंग क्षेत्र की है। जो लोग पंजीकृत हैं विभाग में पंजीकृत नहीं भी हैं, तो हमने उन्हें NCS पोर्टल पर पंजीकृत करके इस रोजगार मेले में प्रतिभाग कराया है। आपको बता दें कि इस रोजगार मेले में अधिकांश युवा असंतुष्ट दिखे।